जहां एक तरफ भारत MSFN का सदस्य बन गया है, जानेंगे इससे क्या फायदा होने वाला है, अमेरिका इस ग्रुप में ऐसा क्या करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की हालत सूडान से भी ज्यादा खराब है, IMF का ये राय है। वहीं चकमा कम्युनिटी भारत के सामने विरोध कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। भारत अब मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। अमेरिका ने इस नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को मजबूत करना है। इसके लिए सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना होगा। 23 सितंबर को UN में अमेरिकी विदेश विभाग ने इस समझौते की घोषणा की। इस समझौते में 14 देशों और यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। ये नेटवर्क मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। MSP को अमेरिका ने 2022 में शुरू किया था। भारत जून 2023 में MSP में शामिल हुआ था। अब वह इसका औपचारिक तौर पर सदस्य बन गया। MSFN के आने से MSP को और मजबूती मिलेगी। आज के समय में ये और भी जरूरी हो गया है, कारण कि चीन जैसे देशों पर महत्वपूर्ण संसाधनों खासकर दुर्लभ खनिजों के लिए निर्भरता बहुत ज्यादा है। इस नई साझेदारी के तहत सभी देशों ने माना कि स्वच्छ ऊर्जा के टारगेट को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करना किसी एक संस्था के बस की बात नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को मिलकर काम करना होगा। ये इस क्षेत्र में मिलकर पूंजी का निवेश करेंगे। ये नई साझेदारी विभिन्न देशों के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट और एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसियों को एक साथ लाती है, ताकि तालमेल बनाया जा सके और बेहतर परिणाम मिल। खनिज सुरक्षा भागीदारी वित्त नेटवर्क की स्थापना पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि भाग लेने वाले DFIs और ECAs ने निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, वे इस चुनौती का सामना करने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी अवर विदेश सचिव W. फर्नांडिस ने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन खतरे में है। हमें महत्वपूर्ण खनिजों और उत्पादन क्षमता की जरूरत है। इनमें से कई आपूर्ति श्रृंखलाएं एक या दो देशों में केंद्रित है, उनमें लचीलापन नहीं है। इससे पहले जून 2023 में भारत को MSP में शामिल किया गया था। यह 14 देशों का अमेरिकी नेतृत्व वाला एक गठबंधन है, जिसमें बात की गई है कि आपस में ये मिलकर काम करेंगे और बाजारों को आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति अच्छी तरीके से करेंगे। दोनों देशों ने मजबूत महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को तेज करने की प्रतिज्ञा दोहराई। भारत को MSP में शामिल करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी विकास रणनीति के तहत परिवहन के एक बड़े हिस्से को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करना जरूरी है। पिछले साल MSP पहल में भारत को शामिल करने का प्रस्ताव भारत की ओर से एक मजबूत राजनयिक प्रयास के बाद आया था। दरअसल भारत सरकार के कुछ वर्गों में इस बात को लेकर काफी बेचैनी थी कि चीन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से बनाई गई इस रणनीतिक साझेदारी में भारत को जगह नहीं मिली। 2022 के मध्य में शुरू की गई साझेदारी का विस्तार 2023 की शुरुआत में किया गया। इसमें इटली को एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इससे भारत की चिंताएं और बढ़ गई थी। MSP लगभग 150 परियोजनाओं पर सहयोगी काम करने की संभावना तलाश रहा है। उसने एक दर्जन परियोजनाओं को चुना है जहां सदस्य काम शुरू कर सकते हैं। इनमें विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज और धातु सहयोग मंच को बढ़ावा देना, बैटरी सामग्री विकसित करना और दक्षिण अमेरिका में संयुक्त रूप से एक खनिज प्रसंस्करण सुविधा विकसित करना शामिल है। किन मिनरल्स पर फोकस है? उद्योग के जानकारों का कहना है कि MSP समूह कोबाल्ट, निकल, लिथियम, 17 दुर्लभ खनिजों जैसी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर फोकस कर रहा है। कोबाल्ट, निकल, लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी के लिए किया जाता है। वहीं दुर्लभ पृथ्वी खनिज सेमीकंडक्टर और उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चीन दुर्लभ पृथ्वी खनिजों में एक बड़ा खिलाड़ी है। उसने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों में प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा इस्तेमाल कर लिया है, तैयार भी कर लिया है। कोबाल्ट जैसे तत्वों को सोर्सिंग के लिए अफ्रीका में खदानें हासिल कर ली है। दुर्लभ पृथ्वी में 17 तत्व हैं। इन्हीं हल्के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों
और भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के रूप में बांटा गया है। भारत में कुछ दुर्लभ अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व जैसे कि लेंथेम, सेरियम, नियोडियम, प्रोसीडियम, सोमेरियम उपलब्ध है, जबकि अन्य डिस्पोर्सियम, टेरबियम, यूरोपियम जैसे एचआरई के विकसित है, भारतीय भंडारों में निकालने योग्य मात्रा में उपलब्ध नहीं है। अभी एचआरई के लिए चीन जैसे देशों पर बहुत अधिक निर्भरता है। चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 70% है। ऐसे समय में जब ईवी बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, भारत को लिथियम वैल्यू चेन में प्रवेश करने के प्रयासों में देर से आने वाला माना जा रहा है। अगले कुछ सालों में बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव आ सकता है। ली आयन टेक्नोलॉजी में कई संभावित सुधार इस कॉम्बिनेशन के विकल्प व्यवसायीकरण के अलग अलग चरणों में हुए हैं। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं बात करें भारत के पड़ोस में क्या चल रहा है, तो चकमा कम्युनिटी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने भारत में विरोध जताया है। चकमा कम्युनिटी भारत में भी रहती है। इन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि सारे जो हमारे रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ उसको कट कर लीजिए, डाउनग्रेड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आर्मी भी सहयोग कर रही है और आर्मी सहयोग करके चकमा कम्युनिटी के करीब 100 घरों को, दुकानों को जला रही है। ये बात इन्होंने कहा है। हालांकि पीएम मोदी ने इन चीजों को अमेरिका में भी उठाया है, लेकिन ये चीज कोई खास असर नहीं कर पाई है। वहीं देख सकते हैं बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स, यहाँ पर भी कुछ चीजें चल रही है। इसमें एक बीएसएफ का जवान लापता हो गया था, पर अभी देखने को मिल रहा है कि बीएसएफ का जवान यहाँ पर बातचीत के बाद लौटा दिया गया है। अब ये गायों और मवेशियों को हटाते हुए एक्सीडेंटली पहुंच चुका था, बांग्लादेश बॉर्डर को पार कर गया था, जिसके बाद बातचीत के बाद सारी चीजें सुलझा ली गई हैं। वैसे चाहे बांग्लादेश कुछ भी समझे और ये समझे कि वो अब बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये बड़ी जीत नहीं है। बांग्लादेश के सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वेडनेसडे को इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट बांग्लादेश का डाउनग्रेड कर दिया। पहले 6.6% था, अभी 5.1% कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जब तक यहाँ पॉलिटिकली चीजें ठीक नहीं होती है, तब तक हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसी बीच आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया है। आईएमएफ यहाँ मदद करना चाहती है। जाहिर तौर पर आईएमएफ अभी तो खूब मदद करना चाहेगी। आईएमएफ जैसी संस्थाएं किसी न किसी के इशारे पर चलती है। तो अब इन्होंने कहा है कि देखिए, हम तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन साउथ सूडान के में भी इनका रेशियो खराब है। रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो इस वक्त इनका बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जो देश से पैसे आने चाहिए, टैक्स वगैरह, ये सब कुछ इस वक्त नहीं दिख रहा है। ऐसे में बांग्लादेश 2.0 के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। वैसे आपको बता दूं, यहाँ कहा जा रहा है कि अंतरिम गवर्नमेंट को ये मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश की स्थिति है, बांग्लादेश की इस वक्त की स्थिति इस चीज के लिए अलाउ नहीं कर रही है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश सुधार ला भी पाता है या नहीं ला पाता है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं बांग्लादेश की इकोनॉमी में, लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं और साथ ही साथ यहां पर बाहरी कंपनियां भी अब बाहर का रास्ता देख रही हैं, जैसे कि पीएनजी को आप देख रहे हैं। पीएनजी ने भी बांग्लादेश में डिस्ट्रीब्यूशन डील को बंद कर दिया है और इसकी वजह से भारत में चीजें थोड़ी डाउन होती हुई भी दिख रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।